फ्रेंड्स, आज हम क्रिएट करेंगे एक बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही बेसिक कैलकुलेटर ऐप यूजिंग MIT ऐप इन्वेंटर। यहाँ पर मेरे पास दो कॉलम है जहाँ पर मैं अपने नंबर्स टाइप करूँगी और उन दोनों नंबर्स को मैं कैलकुलेट यहाँ पर कर सकती हूँ बाय यूजिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अभी मैं यहाँ पर प्लस साइन पे क्लिक करूँगी तो मुझे इन दोनों नंबर का एडिशन मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर डिवाइड वाले साइन पे क्लिक करती हूँ तो मुझे इनका डिवीजन मिल जाएगा। ऐसे ही आप मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपका ये रिजल्ट वाला कॉलम क्लियर हो जाए तो उसके लिए यहाँ पर मैंने एक क्लियर बटन को यूज़ किया है। इस तरह से क्लियर करके यहाँ पर हमारा रिजल्ट वाला कॉलम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज के वीडियो में कि ये ऐप हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आई एम नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट ऑप्शन से अपना न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लूँगी। यहाँ पर मैं अपने प्रोजेक्ट का नेम दे दूँगी। मैं क्लिक करूँगी ओके बटन पर। उसके बाद हमारे पास न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा हमारे ऐप का। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले लेआउट चूज़ करूँगी। यहाँ पर मैं चूज़ करूँगी वर्टिकल अरेंजमेंट लेआउट। यहाँ पर मैं वर्टिकल अरेंजमेंट लेआउट की कुछ सेटिंग चेंज करूँगी। मैं अलाइनमेंट को सेंटर कर दूँगी। हाइट और विड्थ की इसको मुझे फिल पेरेंट सेट कर देना है। उसके बाद मुझे यहाँ पर एक इमेज सेट करनी है बैकग्राउंड में। तो जो भी इमेज आपको अपने बैकग्राउंड में सेट करनी है तो आप उसको पहले से ही अपने लैपटॉप में अपलोड करके रखिए, जैसे कि मैंने किया हुआ है ऑलरेडी। मेरी पे इमेज अपलोड हो चुकी है। अब हम स्क्रीन की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं स्क्रीन बनने वाली बार आपको विजिबल ना हो जब आप अपने ऐप को ओपन करें, तो आप अपने स्क्रीन वाली प्रॉपर्टीज़ पर जाइए और यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ लिखा होगा टाइटल विजिबल, इसको आपको अनटिक कर देना है। तो आपको ये स्क्रीन का ऊपर स्क्रीन वन नहीं विजिबल होगा। और मुझे स्क्रीन के बैकग्राउंड कलर को भी चेंज कर देना है दूसरे कलर में, मैच करते हुए कलर में, जिससे कि वो व्हाइट वाला एरिया आपको विजिबल ना हो। अब मुझे यहाँ पर कुछ बटन्स और लेबल सेट करने हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर चूज़ करूँगी टेक्स्ट बॉक्स। तो मैं यहाँ जाऊँगी यूज़र इंटरफेस में। तो यूज़र इंटरफेस में मैं यहाँ सबसे पहले सेट करूँगी लेबल ले लेती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर चूज़ करूँगी टेक्स्ट बॉक्स। तो आप नीचे स्क्रॉल करें, आप यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स चूज़ कर लीजिए। तो यहाँ मुझे दो टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। उसके बाद मुझे फिर से यहाँ पर एक लेबल चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पर चूज़ करूँगी, वापस से लेआउट में जाऊँगी और मुझे यहाँ पर चूज़ करना है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, जहाँ पर मुझे अपने प्लस माइनस वाले बटन्स को क्रिएट करना है। तो इसकी सेटिंग को भी हम चेंज कर लेंगे यहाँ पर सेंटर। और मुझे इसकी हाइट को रखना है अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। आप हाइट रख लीजिए कितनी भी, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ ले लेती हूँ 10। और इसकी विड्थ को मैं रखूँगी फिल पेरेंट। अब मुझे यहाँ पर बटन सेट करने हैं और थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ की चेंज कर लेते हैं। आपको एक ग्रे दिख रहा है तो आप यहाँ पर इसके बैकग्राउंड में नन क्लिक कर देंगे तो ये बैकग्राउंड भी सेम हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं बटन सेट करूँगी। यूज़र इंटरफेस में जाएंगे, मैं यहाँ पर फर्स्ट बटन क्रिएट करूँगी। मैं फर्स्ट बटन की प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर लेती हूँ पहले। यहाँ पर फोन के इसको बोल्ड इटैलिक्स कर लेते हैं। साइज़ आपकी मर्जी है, मैं 20 ले लेती हूँ। उसके बाद आप इसकी हाइट और विड्थ को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अभी मैं यहाँ नहीं कर रही हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पर प्लस साइन बना दीजिए, क्योंकि ये हमारा प्लस के लिए बटन है। उसके बाद आप यहाँ पर इसको सेंटर रहने दीजिए। अब आप यहाँ पे टेक्स्ट कलर को क्या चेंज करेंगे, इसके जो भी आप चाहते हैं वो कर लीजिए। मैं इसको ब्लैक ही रहने दूंगी। अब इसके बैकग्राउंड कलर को हमें नन फिल कर देना है, जिससे कि इस तरह से आपको विजिबल हो। चलिए, तो मैं इसके साइज़ को थोड़ा सा और बड़ा करती हूँ, क्योंकि प्लस साइन हमें थोड़ा सा अच्छे से विजिबल होना चाहिए, लाइक दिस। अब मुझे यहाँ पर और बटन्स क्रिएट करने हैं, तो मैं इसी वाले बटन को कॉपी कर लेती हूँ यहाँ से और पेस्ट कर लेती हूँ, पेस्ट एंड पेस्ट, क्योंकि मुझे चार बटन चाहिए। सेकेंड बटन मेरा होगा माइनस के लिए, तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स में जाऊँगी और माइनस पे सेट कर दूँगी। नेक्स्ट बटन मुझे चाहिए मल्टीप्लाई के लिए, तो मल्टीप्लाई के लिए मैं यहाँ पर स्टार बटन यूज़ करती हूँ, स्टार सिंबल। उसके बाद यहाँ पर मुझे चूज़ करना है बैक स्लैश। बैक स्लैश हम किस लिए यूज़ करते हैं, फॉर सब्ट्रैक्शन। चलिए, तो ये हो गए हमारे चारों बटन्स यहाँ पर अभी क्रिएट हो चुके हैं। अब मुझे यहाँ पर एक और बटन चाहिए फॉर क्लियरिंग द स्क्रीन। यहाँ पर मैं एक और बटन चूज़ कर लेती हूँ नीचे। इसके भी बैकग्राउंड कलर को मैं नन सेट कर देती हूँ। इसके टेक्स्ट में मैं यहाँ लिख दूंगी क्लियर। बाकी फॉर्मेटिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बटन के साइज़ को हम शेप को राउंडेड कर लें और इसको हम थोड़ा सा फॉन्ट इटैलिक्स, इसका फॉन्ट का भी स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। मैं इसको कर देती हूँ 30, जिससे कि अच्छे से हमें विजिबल हो क्लियर। अब यहाँ पर जो हमने सबसे ऊपर लेबल लिया है टेक्स्ट बॉक्स 1 फॉर लेबल 1, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कैलकुलेटर। जो भी आप लिखना चाहें, मैं यहाँ लिख देती हूँ बेसिक कैलकुलेटर। ये इसके फॉन्ट के साइज को भी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लीजिए।
मैं यहाँ पर इसको ले लेती हूँ 20। अगर आपको 20 थोड़ा छोटा लगता है तो आप और बड़ा कर लीजिए अपने फॉन्ट के साइज़ को। इसका फॉन्ट का जो टेक्स्ट का जो कलर है वो भी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। मैंने रेड कर दिया फॉर एग्जांपल, रेड नहीं हमें विजिबल हो रहा है क्योंकि हमारा स्क्रीन भी ऐसा है। डार्क ब्लू थोड़ा विजिबल होगा। अगर आप चाहते हैं इन बटन के नीचे कुछ कलर दिखाना, तो आपको जो मैंने बताया था यहाँ पर बैकग्राउंड कलर आपने नन किया था, आप यहाँ पर कुछ कलर भी चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अपने आप में रेड कलर इस तरह से चूज़ किया है। दैट इज़ अप टू यू, आप यहाँ पर ऐसे चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको रेड कर लिया है और मैं इसके शेप को राउंडेड कर लेती हूँ। तो आपको अगर इस तरह से अच्छा लगता है तो आप ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। अब आप यहाँ पर कहेंगे कि स्पेस बिल्कुल भी नहीं है जो भी हमने यहाँ पर कंपोनेंट प्लेस किए हैं। यहाँ पर हमें लिखना है रिजल्ट, क्योंकि यहाँ हमारा रिजल्ट डिस्प्ले होगा इस वाले लेबल में। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ रिजल्ट और इसका साइज मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ 40। जो रिजल्ट हमारा डिस्प्ले होगा इतना ही बड़े साइज में डिस्प्ले होगा। अगर इसके नीचे आपको कोई कलर दिखाना है स्पेसिफिकली तो आप दिखा सकते हैं लाइक दिस। अब आप कहेंगे कि अगर आपको यहाँ पे बीच में कहीं गैप चाहिए, दोनों बटन्स के बीच में अगर आपको गैप चाहिए, तो आप उसके लिए लेबल यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे दोनों टेक्स्ट बॉक्स के बीच में स्पेस चाहिए, तो मैं यहाँ एक लेबल सेट कर दूंगी और लेबल में मैं यहाँ पर कुछ भी लिख के इसके बैकग्राउंड में सेट कर दूंगी, इसके टेक्स्ट के कलर को सेट कर दूंगी नन। तो आप देखेंगे कि वो छुप गया जो भी आपने यहाँ लिखा था और बीच में स्पेस भी आ गया है इस तरीके से। तो ये आपको ये ग्रीन कलर का जो बॉक्स है ये नहीं दिखेगा जब आप अपना ऐप ओपन करोगे, बस आपको यहाँ पर स्पेस दिखेगा। ऐसे ही आप यहाँ पर स्पेस डाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस लेबल बटन। आप अपने चारों बटन्स के बीच में भी ऐसे लेबल यूज करके गैप कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल दिखा देती हूँ। मैं यहाँ पर दोनों के बीच में एक लेबल यूज कर लेती हूँ और बटन का साइज मुझे जितने भी रखना है लेबल के बीच, दोनों बटन्स के बीच में जितना भी आपको गैप रखना है उतने आप डॉट डॉट लगा दीजिए और टेक्स्ट का कलर आप नन कर दीजिए। ये देखिए अब दोनों बटन्स के बीच में क्या हो गया है, गैप आ गया है। अभी मैं रेड कर देती हूँ सबको, क्योंकि ऐप थोड़ा सा दिखने में बेटर लगे जिससे कि आपको इसका डिज़ाइनिंग। तो मैं ये सबको रेड कर देती हूँ और सबके बीच में गैप कर देती हूँ। तो मैं इसी लेबल को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर ड्रैग कर लूँगी। कॉपी किया मैंने और पेस्ट किया, इस तरीके से हो जाएगा। इसको हम राउंडेड बना देते हैं। यहाँ पर सारे बटन्स को मैं राउंडेड बना देती हूँ। वो आपके ऊपर है चॉइस कि आप अपने ऐप की डिज़ाइनिंग किस तरीके से करेंगे। ये हो गया। चलिए अब चलते हैं अपने ब्लॉक सेक्शन में इसकी कोडिंग। कोडिंग इसकी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब यहाँ पर जो आपको ये बटन्स और ये लेबल वन लेबल टू दिख रहे हैं, इनकी रीनेमिंग आप कर सकते हैं जिससे कि आपको पता चल जाए कि आपने प्लस जो है, जिस बटन को आपने प्लस बनाया है। तो मैं यहाँ पर बटन वन को रीनेम करूँगी, रीनेम, और मैं यहाँ लिख दूंगी प्लस, जिससे कि आपको कोडिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, ऐसे अभी मुझे सारे बटन्स का पता है कि मैंने किस बटन को क्यों बनाया है, तो आप अपने ऐप में वो कर लीजिएगा। ब्लॉक सेक्शन में चलते हैं। तो सबसे पहला हमारी कोडिंग होगी बटन्स के ऊपर कि जब मैं इस बटन को क्लिक करूँ तो हमारे दोनों नंबर जो हम टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करेंगे वो प्लस हो जाएं। तो मैं क्लिक करूँगी इसके ऊपर और मैं यहाँ पर चूज करूंगी लेबल टू। लेबल टू हमारा किस लिए था, रिजल्ट के लिए था। तो मैं सेट करूंगी लेबल टू टू टेक्स्ट। यहाँ पर हम टेक्स्ट पे करेंगे सेट लेबल टू टू टेक्स्ट। और यहाँ पर हम लेंगे मैथ ब्लॉक। मैथ ब्लॉक में मैं यहाँ पे लूंगी प्लस वाला। आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये प्लस मिल जाएगा। इसको हमें यहाँ पर सेट करना है और दोनों को किस किन दोनों को प्लस करना है, दोनों टेक्स्ट बॉक्स में जो भी टेक्स्ट हम लिखेंगे। तो यहाँ मैं टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट ले लेती हूँ इस तरीके से, और इसको ही मैं कॉपी और पेस्ट कर लेती हूँ यहाँ पर। मैं कर लूँगी इसको, मैं बना दूंगी टेक्स्ट बॉक्स टू लाइक दिस। ये हमारा हो गया है कोडिंग प्लस बटन की। अब हम यहाँ पर कोडिंग करेंगे मल्टीप्लाई वाले नेक्स्ट बटन के लिए। नेक्स्ट बटन हमारा माइनस बटन है, तो यहाँ मैं इसी को कॉपी और पेस्ट कर लूँगी। और यहाँ पर हम सारे नेम्स बस चेंज कर देंगे। यहाँ पर मेरा प्लस है तो ये हमारा बटन टू को मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगी। लेबल टू ही रहेगा यहाँ पर, और यहाँ पर प्लस की जगह क्या आ जाएगा इसको मैं यहाँ से अलग कर लेती हूँ। और यहाँ पर प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस। तो हमें माइनस ब्लॉक लेने के लिए मैथ सेक्शन में जाना है और यहाँ से चूज कर लेना है माइनस, और इसको इन ब्लॉक्स को टेक्स्ट बॉक्स वन को यहाँ पर, टेक्स्ट बॉक्स टू को यहाँ पर सेट कर देना है। अगेन हम सेम स्टेप फॉलो करेंगे, मैथ ब्लॉक में जाएंगे और यहाँ पर मैंने अब मल्टीप्लाई ले लिया है
मल्टीप्लाई इनटू टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2। अब मुझे करना है सेम प्रोसीजर फॉलो फॉर दैट लास्ट बटन। मेरा लास्ट बटन है यहाँ पर बटन नंबर, हम देख लेंगे यहाँ पर मेरा बटन नंबर 4 है लास्ट। और मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर चाहिए मैथ ब्लॉक में से डिवाइड। तो डिवाइड का हमारा ये वाला ब्लॉक है और मुझे यहाँ से इसको कॉपी और पेस्ट कर लेना है। टेक्स्ट बॉक्स 2 मुझे यहाँ पर चाहिए और टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर चाहिए। इसको हम यहाँ पर इंटरचेंज कर लेंगे क्योंकि हमने इसको टेक्स्ट बॉक्स 2 को यहाँ पर लगाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स 1 को यहाँ पर लगाएंगे। अब हमारी कोडिंग हो चुकी है चारों बटन की, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड की। अब हमारी लास्ट बटन की कोडिंग बची है। लास्ट बटन है हमारा बटन 5 जो कि क्लियर बटन। अब आप चाहते हैं कि जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो जो रिजल्ट में लिखा है नंबर वो क्लियर हो जाए, तो इसके लिए मैं यहाँ पर चूज़ करूँगी और मैं सेट कर लूँगी लेबल 2 को मैं यहाँ से कॉल करूँगी। सेम मैं यहाँ से ही ले लेती हूँ कंट्रोल सी कंट्रोल वी और इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ। तो लेबल 2 को हमें क्या सेट करना है, ब्लैंक सेट करना है या फिर हमें वहाँ पर कोई टेक्स्ट। तो ब्लैंक सेट करने के लिए या टेक्स्ट वहाँ पर कोई डिस्प्ले कराने के लिए हम टेक्स्ट ब्लॉक्स लेंगे और यहाँ पर इसको मैं क्लिक कर दूंगी और यहाँ पर मैं वही टाइप कर दूंगी जो कि हमारा वहाँ पर पहले लिखा हुआ था रिजल्ट। अगर आप यहाँ पर कुछ और डिस्प्ले कराना चाहते हैं जब हम क्लियर बटन को क्लिक करें तो आप वही यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप ब्लैंक छोड़ देंगे तो जैसे आप क्लियर बटन पर क्लिक करेंगे तो वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा, वहाँ पर कुछ भी विजिबल नहीं होगा। तो ये थी हमारी सिंपल सी कोडिंग इस ऐप के लिए। तो इस ऐप को बनाने के लिए हार्डली आपको 10 ही मिनट्स लगे होंगे और ये बहुत ही सिंपल ऐप है। तो अगर आपको मेरा ये ऐप पसंद आया है, अगर इस ऐप को आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है बनाने में तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी एक नए ऐप के साथ। टिल देन स्टे सेफ स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।